नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज शिक्षक दिवस है 5 सितंबर। जी हाँ, आप सभी को पता है शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी जितने शिक्षक गण हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने भी हमारे मित्र हैं दोस्त हैं सभी को शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। और आज है शिक्षक दिवस पर हमें कुछ संकल्प भी लेना है, ठीक है, कि आखिर हमें आगे किस प्रकार से तैयारी करना है। बहुत सारे हमारे जो दोस्त साथी लोग हैं वो थोड़ा सा धीमा पड़ गए हैं, शिथिल पड़ गए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट बार बार बढ़ रही है इसके वजह से। लेकिन एग्ज़ाम का डेट तो बढ़ रहा है, ये सरकार की नाकामी है और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम काफ़ी दिन हो गया वैकेंसी आए हुए और लगभग सबकी तैयारी भी हो गई है, और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे उन लोग भी अब हमारे साथ जुड़ करके उनका भी तैयारी हो गया है। हम तो यही कहेंगे जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग, आप लोग अच्छे से तैयारी ज़रूर कीजिए, ठीक है। आप लोग को एक संकल्प ये लेना है, कम से कम आप डेली 1 घंटा समय जरूर निकालना है, ठीक है। 1 घंटा आप अपने लाइफ का निकाल करके, और ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरा ही वीडियो देखिए, आपको जिसका भी अच्छा लगता हो वीडियो PDF नोट्स उसका पढ़िए, लेकिन ज़रूर पढ़िए। आप फॉर्म भरे थे तो यही सोचकर भरे होंगे कि हमें हेड टीचर बनना है ना, आप तो शिक्षक हैं ही, लेकिन कुछ ऊपर बढ़ने के लिए ऊपर जाने के लिए आप फॉर्म भरे होंगे, तो इसीलिए आपको तैयारी निरंतर करते रहना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। छोड़ दीजिएगा बीच रास्ता में तो सफल नहीं हो पाइएगा, ठीक है। इसीलिए हम, कल संडे था और कल लाइव नहीं आ पाए थे, कल मैच वगैरह भी देख रहे थे, इंडिया पाकिस्तान का था, और लेकिन भारत तो उसमें हार गया, कोई बात नहीं है। लेकिन हमें ये संकल्प जरूर लेना है कि हमें आगे की तैयारी निरंतर करते रहना है, तभी आपकी तैयारी हो सकती है और तभी आपका रिजल्ट भी होगा। आप सोचिएगा कि 10 दिन पढ़ करके एग्ज़ाम आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, 10 दिन पढ़ लेंगे रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। और आप लोग भी शिक्षक बने होंगे तो आप देखे होंगे कि कितना मेहनत करने के बाद आप शिक्षक बने होंगे, तो आप निरंतर तैयारी ज़रूर कीजिए। मात्र 1 घंटा अपने जीवन का जरूर निकालिए 24 घंटा में, और तैयारी कीजिए। आपको जिसका भी वीडियो अच्छा लगता हो, मेरा तो अच्छा लगता है मेरा देखिए, किन्हीं और का अच्छा लगता है उनका देखिए, लेकिन ज़रूर मेहनत कीजिए, वीडियो देख करके, किताब पढ़ करके, जैसे भी, लेकिन मेहनत ज़रूर कीजिए, ठीक है। आज शिक्षक दिवस है, सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। और चलिए हम लोग आज का क्लास निरंतर जारी रखते हैं, और क्लास से गैप होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, और हमें पता है कि आप लोग तैयारी कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा एग्ज़ाम डेट बढ़ जाने की वजह से तो थोड़ा सा माइंड हो जाता है, लेकिन फिर भी आप तैयारी करते रहिए, ठीक है, करते रहिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी और ये निश्चित मिलेगी। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों फिजिक्स क्लास का टेस्ट नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर 2 टेस्ट आपका फिजिक्स में हो गया है, आज तीसरा होगा, और इसका 1 टेस्ट और होगा फिजिक्स का, 4 टेस्ट, उसके बाद केमिस्ट्री का हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे। आज ये 75 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, लगभग आधा घंटा का यहाँ पर क्लास होने वाला है, 30 मिनट का यहाँ पर क्लास होने वाला है। तो आप लोग सभी लोग आ जाइए, वीडियो को एक बार अपने लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। जो क्लास होती है आपकी डेली रात में 9 बजे से होती है। ये नंबर आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, तो आपको याद हो गया होगा 7857824310। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। जो लोग नए लोग हैं और अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, और इसमें मात्र 351 रुपया चार्ज है। जो हमारे पुराने साथी थे उनके ग्रुप में मैसेज गया होगा कि आप 100 रुपीज़ पे करके न्यू ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तो बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी किए हैं। जो नहीं किए हैं तो पे करके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इधर बहुत सारा क्लास हो गया है, उसका नोट्स PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो नए साथी हैं उनके लिए 351 चार्ज है, 351 रुपये आपको पेमेंट करना है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए DLED के लिए, है ना, DLED जो आपका 8 यूनिट है उसका मिल जाएगा, उसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, उसके अलावा आपको
करेंट अफेयर, बहुत सारा चीज़ है आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जाएगी, और आगे जो क्लास होगी उसका भी पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से दोस्तों 351 आपको इसी नंबर पर पे करना है और स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है कैरियर परिवार, तो आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए साइंस का जो क्लास चल रहा है, चलिए हम लोग इसको निरंतर। तो आज का देखिए पहला सवाल क्या है दोस्तों कि ताप का एसआई मात्रक तथा सीजीएस मात्रक क्या होता है। बताइए ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। ठीक है, आपको पता है, आप कमेंट कीजिए नीचे, केल्विन होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है ताप का, तो सेल्सियस होता है। क्या होता है? सेल्सियस, है ना, ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन और सीजीएस मात्रक सेल्सियस। दूसरा प्रश्न चलते हैं कि दाब की विमा क्या होती है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप। ठीक है, दाब की विमा क्या होती है बताइए। तो दाब की विमा अगर आपको पता है तो लाइव चैट में आप फटाक से कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, आप ही के फायदे के लिए मैं बोलता हूँ कि कमेंट करने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम आपके मुंह पर वो रहेगा। तो दाब की जो विमा होती है वो ML-1 और T-2 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि बल का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक क्या होता है। बताइए बल का एसआई मात्रक क्या होता है और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। देखिए तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है आपका न्यूटन। ठीक है, जिसको हम N से डिनोट करते हैं, और सीजीएस मात्रक होता है इसका डाइन, है ना। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक डाइन। अगला सवाल है कि बल आघूर्ण, भार, संवेग, वेग, त्वरण तथा विस्थापन, ये राशियां हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सदिश राशि कौन सी है और अदिश राशि कौन सी है। तो कुछ एग्जांपल है सदिश राशि और अदिश राशि की, तो ये आप याद रखिएगा। तो सदिश राशि का एग्जांपल जैसे बल है, बल आघूर्ण है, भार है, संवेग है, वेग है, त्वरण है, आपका विस्थापन है। तो ये सभी जितनी राशियां हैं दोस्तों, ये सब सदिश राशियां के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा, सदिश राशि और अदिश राशि आपको हमेशा एग्जाम में एक दो छाटने के लिए हमेशा पूछा जाता है। अगला है कि अदिश राशि का एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे ऊर्जा हो गया, आपका कार्य हो गया, दूरी हो गया, मात्रा हो गया, लंबाई हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया, घनत्व हो गया, चाल हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये जितने मैंने अभी आपको बता रहा हूँ ये सभी कौन सी राशि है, तो ये है आपको अदिश राशि। तो सदिश और अदिश ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों आपका कि पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव पृष्ठीय ऊर्जा बल प्रवणता की विमा क्या होती है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा और बल प्रवणता की बीमा क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो बीमा होता है वो आप याद रखिएगा, M-1, L-0 और T-2। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा और बल प्रवणता, ये तीनों का क्या होता है बीमा, M-1, L-0 और T-2। अगला सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी मनुष्य का भार, जी हाँ, इस प्रकार का प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर आपका भार इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा, चंद्रमा पर इतना है तो पृथ्वी पर कितना होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मनुष्य का भार कह रहा है कि पृथ्वी पर 60 N है। ठीक है, तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर भार कितना है 60 N, तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 1/6, यानी कि 116 है तो 60 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 × 10 कितना होता है, 60, यानी कि 10 N हो जाएगा आपका क्या, तो उसका भार हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि यदि किसी मनुष्य का द्रव्यमान जो है पृथ्वी पर 70 kg है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। देखिए द्रव्यमान में चेंजिंग नहीं आता है आपका। ठीक है, द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर रहेगा द्रव्यमान उतना ही चंद्रमा पर भी रहेगा। तो पृथ्वी पर 70 kg द्रव्यमान है तो चंद्रमा पर भी 70 kg ही द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, तो ये आप 70 kg ही होगा आपका। अगला सवाल है कि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए,
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की चाल क्या किया जाए, आधी कर दीता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। अगर चाल को आधी करेंगे तो गतिज ऊर्जा एक चौथाई हो जाएगी, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, एक चौथाई हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की चाल अगर दुगनी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। यहाँ पर आधी किए तो एक चौथाई हो गया, अगर दुगनी करेंगे तो यहाँ पर चार गुनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है दोस्तों। तो ये आपको पता होगा, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का जो ये फॉर्मूला है, E बराबर क्या है, mc2, है ना, E बराबर mc2 आपको पता है। जहाँ c क्या है, तो c जो है वो प्रकाश की चाल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, और m क्या है आपका, m द्रव्यमान है। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को जिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जी हाँ, आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसी को कहा जाता है सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है, ना, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को। इसका फॉर्मूला क्या है, mc2 E बराबर। अगला है कि प्लाज्मा द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के परमाणु होते हैं। देखिए, प्लाज्मा द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ के जो परमाणु है वो उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कांच किस प्रकार का ठोस है दोस्तों, बताइए जो कांच है ये किस प्रकार का ठोस है। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। कैसा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है आपका कांच। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय ठोस कौन सा है। तो सर्वाधिक आघात वर्धनीय जो ठोस है ये होता है सोना, है ना। सोना इतना ज़्यादा तन्य होता है कि आप उसको कितनों भी पतला, मतलब आप उसको पीट करके आप लंबा कर सकते हैं। तो सबसे जो सर्वाधिक आघात वर्धनीय जो ठोस है दोस्तों वो है आपका सोना। अगला सवाल है कि अत्यधिक तन्यता वाले ठोस पदार्थ कौन सी है। तो अत्यधिक तन्यता वाले जो ठोस पदार्थ हैं वो क्वार्ट्ज है और आपका प्लैटिनम है, ठीक है, क्वार्ट्ज और प्लैटिनम। अगला सवाल है कि सर्वाधिक भंगुर ठोस पदार्थ कौन सी है, क्या होगा, सर्वाधिक भंगुर ठोस पदार्थ कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन, ठीक है, याद रखिएगा टंगस्टन। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में मीट्रिक पद्धति कब अपनाई गई थी, बताइए तो भारत में मीट्रिक पद्धति कब अपनाई गई थी। तो 1957 में अपनाई गई थी मीट्रिक पद्धति। अगला प्रश्न है कि लंबाई के मात्रक मीटर को प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में परिभाषित किया गया, जी हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंबाई के मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर को प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के पदों में परिभाषित कब किया गया था। तो 1960 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि एक मीटर बराबर होता है, एक मीटर बराबर किस में, तो एक मीटर, देखिए ये को जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीटर में क्या होता है दोस्तों। तो एक मीटर में क्रिप्टॉन 86, है ना, एक मीटर में क्रिप्टॉन 86 परमाणु द्वारा उत्सर्जित नारंगी प्रकाश कितनी तरंगे आती है। ये क्वेश्चन है आपका कि एक मीटर बराबर कितनी तरंग दैर्ध्य होगी क्रिप्टॉन 86 के, है ना, नारंगी प्रकाश का, ठीक है, नारंगी और कभी लाल प्रकाश भी, नारंगी लाल भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो नारंगी लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होगा, तो इसका जो मान होगा ये आप याद रखिएगा 1650763.73 तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है एक मीटर क्रिप्टॉन में, ठीक है, क्रिप्टॉन परमाणु में, ठीक है, क्रिप्टॉन 86 परमाणु द्वारा उत्सर्जित जो नारंगी प्रकाश की तरंगे हैं वो इतना लंबा मान होगा। ये मान आप याद रखिएगा, ये आपको कभी कभी पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं कि सूक्ष्म जीवों की लंबाई मापी जाती है। तो सूक्ष्म जीवों की जो लंबाई मापी जाती है वो माइक्रोन में मापी जाती है, इसको एम से सूचित किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अति सूक्ष्म जीवों का मात्रक क्या है दोस्तों। तो अति सूक्ष्म जीवों का जो मात्रक है वो है आपका एंगस्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा एंगस्ट्रॉन्ग, और इसका सूचित करते हैं हम ए से, ठीक है, याद रखिएगा एंगस्ट्रॉन्ग।
अति सूक्ष्म जीवों का मात्रक। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणुओं के नाभिक का व्यास मापने की इकाई क्या है। तो परमाणुओं के नाभिक का व्यास जो मापने की इकाई है वो है आपका फर्मी। क्या है वो? है आपका फर्मी, इसको कहा जाता है, या फिर फेमाइटोमीटर, इसी को कहते हैं फेमाइटोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त घड़ी, जी हाँ कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में जो घड़ी होता है वो कौन सी घड़ी होती है? तो वो क्वार्ट्ज घड़ियाँ होती है, याद रखिएगा क्वार्ट्ज घड़ी होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि विद्युत धारा का मात्रक। काफ़ी आसान प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, है ना, ये क्या है इसका मात्रक? इसका मात्रक होता है एम्पियर आपका। ठीक है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है? एम्पियर, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु के वेग को क्या कहते हैं। तो प्रश्न है कि किसी वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु के वेग को क्या कहते हैं, तो इसी को तो कहा जाता है सापेक्ष वेग। क्या कहते हैं इसको? इसको सापेक्ष वेग कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक सेकेंड में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको कि वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक सेकेंड में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, तो इसको कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं वृत्तीय गति करते हुए। अगला प्रश्न है कि कोणीय वेग का संकेत क्या होता है दोस्तों, तो ओमेगा होता है ना, कोणीय वेग का संकेत ओमेगा, यानी कि ये डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किसी पिंड के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बताइए। किसी पिंड के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो इसी को तो कहा जाता है त्वरण, है ना, इसी को त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन, है ना, किसी पिंड के वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। अगला है कि वेग बढ़ने से त्वरण का मान क्या होता है, जी हाँ, तो वेग बढ़ेगा तो त्वरण का मान जो होगा वो आपका ऋणात्मक नहीं धनात्मक होगा आपका, है ना, क्या होगा वो? धनात्मक होगा, वेग बढ़ने से त्वरण का मान धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड के वेग में परिवर्तन का मान ऋणात्मक हो तो पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पिंड के वेग में परिवर्तन का मान क्या है, ऋणात्मक हो तो पिंड में उत्पन्न त्वरण को कहते हैं, इसी को कहा जाता है मंदन। क्या कहते हैं इसको? मंदन कहा जाता है। चलिए हम चलते हैं आगे। एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको एक संकल्प जरूर लेना है कि कम से कम डेली एक घंटा हमें समय निकालना है और हमें तैयारी जरूर करना है। आप किसी का भी वीडियो देख सकते हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा कर सकते हैं तैयारी। ठीक है, ऐसा नहीं कि फोर्स है कि आप मेरा ही देखिए, आपको जो भी अच्छा लगता है, जिसका भी अच्छा लगता है, जैसे भी तैयारी करने में अच्छा लगता है कीजिए, लेकिन तैयारी जरूर कीजिए। फॉर्म भरे होंगे तो कुछ सोच करके ही भरे होंगे, आप तो शिक्षक हैं, लेकिन अगर आपको और भी आगे बढ़ना है तो कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा, है ना। और एग्ज़ाम तो खैर होगी ही, सरकार की ये नाकामी है कि बार बार ये डेट बढ़ा रही है, और क्यों बढ़ा रही है ये सबको पता है। ठीक है, वो सिर्फ मतलब लेट करना चाह रही है और कुछ नहीं है, समझें, मतलब बार बार कुछ ना कुछ बहाना बना करके इसको लेट करना चाह रही है। और देखिए नवंबर दिसंबर में अगर एग्ज़ाम हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अभी से तैयारी जरूर करते रहिए, ज़्यादा नहीं एक घंटा जरूर निकालना है समय और तैयारी करना है, एक घंटा में ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। हम डेली कितना पढ़ाते हैं, आधा घंटा, पौन घंटा, एक घंटा, सवा घंटा, है ना, बहुत बड़ा वीडियो होता था शुरू शुरू तो डेढ़ डेढ़ घंटा का भी चलता था। ठीक है, लेकिन अभी तो ज़्यादा नहीं चल रहा है, आधा घंटा, पौन घंटा, एक घंटा से ज़्यादा चल नहीं रहा है। तो इतना देर ही अगर आप अपने से पढ़ सकते हैं, वीडियो देख करके पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ भी हमारे पास उपलब्ध है, पीडीएफ लेकर के भी आप पढ़िए, जैसे भी इच्छा करें लेकिन ज़रूर पढ़िए। ठीक है, आज शिक्षक दिवस है फिर भी मैंने आप लोग को क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि क्लास आपकी निरंतर चलते रहना चाहिए, है ना, जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है तभी हम क्लास को बंद करते हैं। चलिए अगला सवाल है कि स्टेशन के समीप आती हुई गाड़ी में त्वरण उत्पन्न होता है या मंदन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेशन के समीप आती हुई जो गाड़ी है, है ना, जो ट्रेन आ रही है, उसमें त्वरण उत्पन्न होगा या फिर मंदन उत्पन्न होगा। तो इसमें होगा आपका मंदन। क्या होगा?
मंदन होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आइजक न्यूटन ने गति के अपने तीन नियमों का प्रतिपादन किया था। गति का कितना नियम? तीन नियम किसने दिया? तो न्यूटन साहब ने दिया, ठीक है। और ये जो प्रतिपादन किए वो जिस ग्रंथ में किए उस ग्रंथ का नाम बताना है कि किस ग्रंथ में ये तीनों नियम प्रतिपादित किए थे। तो उस ग्रंथ का ना क्या नाम था? तो उस ग्रंथ का नाम था दोस्तों प्रिंसिपिया। बहुत अच्छा नाम है, याद रखिएगा प्रिंसिपिया। क्या नाम है? प्रिंसिपिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि न्यूटन के गति के, और ये तीनों नियम आपको पता होना चाहिए, न्यूटन के जो तीनों नियम है ना, पहला, दूसरा और आपका तीसरा। तो पहला नियम क्या था? गति का प्रथम नियम था, इसी को कहा जाता था जड़त्व का नियम। प्रथम नियम को क्या कहते थे? जड़त्व का नियम। ये आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा जो नियम था इसी को कहते थे संवेग का नियम, और तीसरा जो नियम था इसको कहते दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपका, ठीक है। तो ये तीनों नियम आप ध्यान में रखना है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम, अभी आपको बता दिया गया। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, याद रखिएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी पिंड को दिया गया आवेग बराबर होता है, जी हाँ, प्रश्न है कि किसी पिंड को दिया गया आवेग किसके बराबर होगा? तो पिंड में उत्पन्न संवेग परिवर्तन के बराबर होगा, ठीक है, संवेग परिवर्तन के बराबर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि त्वरित गति से ऊपर चढ़ते हुए लिफ्ट में हमें अपना भार महसूस होता है। देखिए लिफ्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, ये तीन प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछेगा चढ़ते हुए लिफ्ट में, एक पूछेगा आपको उतरते हुए लिफ्ट में, और एक पूछेगा कि अगर आप लिफ्ट से आपका डोरी एक बैग टूट जाता है तो क्या होगा, ठीक है, लिफ्ट का डोरी टूट जाए। तो तीन प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एक तो चढ़ते हुए लिफ्ट, उतरते हुए लिफ्ट, और लिफ्ट की डोरी टूट गया तब क्या होगा। देखिए जब क्वेश्चन पूछा जाए कि त्वरित गति से ऊपर चढ़ते हुए लिफ्ट में अपना भार क्या महसूस होता है, तो ऊपर चढ़ रहे हैं तो बढ़ा हुआ महसूस होता है, ठीक है। कभी कभी आप महसूस किए भी होंगे, जब ऊपर जाइएगा तो दबाव महसूस करता है, यानी कि बढ़ा हुआ महसूस करता है, और जब नीचे आइएगा ना तो आपको घटा हुआ महसूस होता है, और जब क्या होगा कि डोरी टूट जाए, जब डोरी टूट जाएगा तो आप धड़ाम से नीचे गिरिएगा, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो व्यक्ति का जो भार हो जाएगा वो आपका शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम। प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी पिंड के भार या द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। चंद्रमा पर किसी पिंड है उसका भार में परिवर्तन होगा या फिर द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? तो भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तन पूछ रहा था आपका, है ना। तो कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी पिंड के भार या द्रव्यमान में अपरिवर्तन रहेगा। तो अपरिवर्तन कौन रहेगा? द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है दोस्तों, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, भार बदलता है। तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कि जितना पृथ्वी पर है उतना ही आपको चंद्रमा पर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत क्या है? रॉकेट जो छोड़ा जाता है इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला सवाल है कि पृथ्वी की ओर किसी वस्तु के गिरने से उसका संवेग क्या होता है? ना पृथ्वी की ओर किसी वस्तु के गिरने से उसका जो संवेग है वो काफी बढ़ जाता है, ठीक है, काफी बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि अभिकेंद्री बल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो आप याद रखिएगा अभिकेंद्री बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर होता है mv² ठीक है, mv² याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी है। आगे प्रश्न है दोस्तों कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? बताइए बल आघूर्ण का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर है ना, न्यूटन मीटर।
अगला सवाल है कि कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं। कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या के गुणनफल को कहा जाता है रेखीय वेग। क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिकेंद्रीय बल का परिमाण क्या होगा, है ना। अभिकेंद्रीय बल से भी आपको देखिए दो तीन प्रश्न पूछेगा। एक तो अभिकेंद्रीय बल का परिमाण पूछेगा, तो इसका जो परिमाण रहता है वो नियत रहता है। इसकी दिशा पूछेगा कि अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है, तो निरंतर बदलती रहती है। परिमाण इसका नियत रहता है, लेकिन दिशा इसकी बदलती रहती है, ठीक है। और एक पूछेगा आपको, सबसे पहले इसको आप देख लीजिए कि इसका जो परिमाण है वो क्या है, नियत है आपका, ये नहीं बदलता है, लेकिन इसकी दिशा क्या है, ये आपको बदलती रहती है, ठीक है, ये आपका बदलती है। अगला प्रश्न है कि किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, है ना। तो ये भी आपको अभिकेंद्रीय बल के वजह से ही ये चक्कर लगाती है, ठीक है। किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो अभिकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है कि वृत्तीय मार्ग पर चलते हुए किसी वस्तु की परिधि की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है कि वृत्तीय मार्ग पर चलते हुए किसी वस्तु की परिधि की ओर लगने वाला जो बल है उसको कहते हैं अपकेंद्री बल। अभी आप अभिकेंद्री बल पढ़ रहे थे, अब है आपका अपकेंद्री बल। जैसे कि सर्कस, आ जाइए अगला प्रश्न। और ये भी आपको क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है, सर्कस के झूला वाला, है ना। सर्कस में एक झूले से दूसरे झूले पर जाना ये किसका उदाहरण है, तो ये जड़त्व आघूर्ण का उदाहरण है। अगला है कि बर्फ पर स्केटिंग करना, ये भी जड़त्व आघूर्ण का उदाहरण है। तो ये दोनों उदाहरण आप ध्यान रखिएगा, जड़त्व आघूर्ण वाला पूछा जाता है कि बर्फ पर स्केटिंग करना, ये जड़त्व आघूर्ण का उदाहरण है। और सर्कस में जो आप झूला वाला देखे होंगे ना, एक झूला से दूसरे झूला पर चला जाता है उछल उछल के, तो ये भी जड़त्व आघूर्ण का उदाहरण है। अगला है कि SI पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चलिए फिर से झूला वाला जो क्वेश्चन आया, ये झूला वाला क्वेश्चन दो तीन प्रकार का आपको घुमा घुमा के पूछा जाता है। एक तो पूछेगा कि झूले पर झूलती हुई लड़की के खड़े हो जाने पर, ठीक है। एक क्या पूछेगा कि झूला पर एक लड़की झूल रही है और ये क्या हो गई, खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या होगा। एक पूछेगा कि एक लड़की झूला झूल रही है और उसके पास एक दूसरी लड़की आकर के बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। मतलब कि दो लड़की एक साथ झूला अब झूलने लगी, आकर के बैठ गई दूसरी, तब क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो पहला जो सवाल था कि झूले पर झूल रही है और अचानक खड़े हो जाएंगे, तो इसका जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा में अपरिवर्तित रहेगा, चाहे आप एक आ गया या फिर एक और आकर के बैठ गई, फिर भी इसका आवर्तकाल क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गति के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बताइए। इसको कहते हैं आवर्ती गति के कारण, है ना, आवर्ती गति के कारण। नेक्स्ट बल प्रश्न है कि किस बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु की अपनी ओर खींचती है, तो ये तो गुरुत्व बल होता है, है ना। गुरुत्व बल के वजह से ही जो पृथ्वी है वो किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है ना, जिसको जी से हम लोग मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है। ये जी का मान आप याद रखिएगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, तो इसका होता है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन प्रति नैनोमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। नैनोमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका मान होता है दोस्तों, याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय बल की प्रकृति सदैव कैसी होती है, तो ये आकर्षण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु के पलायन वेग का मान कितना होता है। ये क्वेश्चन ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पलायन वेग ये हमेशा पूछा जाता है, तो पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, याद रखिएगा पृथ्वी, है ना, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग। नेक्स्ट है कि आदर्श मशीन किसे कहिएगा, तो आदर्श मशीन वही है जिसकी क्षमता कितनी हो, तो 100% हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि भौतिक तुला क्या कार्य करती है, तो ये आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करती है।
भौतिक तुला क्या कार्य करती है, तो आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है कि अश्व शक्ति किसका मात्रक है, अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर है ना, तो 1 हॉर्स पावर बराबर वैल्यू क्या होता है आपको याद होगा 746 वाट, मैंने बता चुका हूँ बहुत बार, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है 746 वाट, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। और ये किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो मैंने कल ही बताया था कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, अगर आपके पास ज़्यादा शक्ति है तो आप किसी का भी वाट लगा सकते हैं, तो इसका शक्ति मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 किलो वाट में 10^3 वाट होता है आपका, याद रखिएगा 10^3 वाट। तो आज इतना ही रहने देते हैं, हम लोग 75 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर वन लाइनर देखे, और कल फिजिक्स आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शिक्षक दिवस पर आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारे शुभकामनाएं, और आप लोग इसी प्रकार से निरंतर तैयारी करते रहिए, तैयारी को छोड़ना नहीं है, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता है तब तक हमें तैयारी करते रहना है, और ज़्यादा नहीं आपको डेली समय निकाल करके 1 घंटा आपको तैयारी ज़रूर करना है, है ना, ये आपको संकल्प लेना है कि हमें ज़्यादा नहीं करना है डेली, है ना, बस 1 घंटा पौन घंटा भी आप पढ़ते हैं, 1 घंटा पौन घंटा डेली तो बहुत है आपके लिए, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़िए, ठीक है। तो अगर आप हमारे ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाएगा, 351 इसका चार्ज है, 351 आप पेमेंट कर दीजिएगा, फिर आपको सभी चीज़ मिल जाएगा। पेमेंट कैसे करना है, तो आप फ़ोनपे गूगल पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से इस नंबर पर जो आपको नंबर दिख रहा है 7857824310, आप इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हमें व्हाट्सएप पर आप हमारा भेज दीजिएगा, ये नंबर जो है व्हाट्सएप का भी है, और यही नंबर आपको फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम व्हाट्सएप पे सभी नंबर है आपका, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। आज टेस्ट 3rd कंप्लीट हो गया, कल होगा आपका 4th टेस्ट आपका फिजिक्स का, और कल लास्ट हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।